देखो ये और ये साहब होते हैं, लेकिन ये साहब मुझे ये कुर्ता मुझे मिल रहा था, क्योंकि बहुत पहले मैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लाने गया था, तब लिया था मैंने, और अभी ढेर में से मैंने निकाला है जी, और बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, क्योंकि अलवारी में ये बड़ा भरा था, मुझे नहीं मिल रहा तो बड़ी मुश्किल से मिला था। अब चलते हैं टेलर के पास राहुल को लेकर, तब सलवार है कुर्ते को। फायदा नहीं हुआ, जो पहले ऐसे हो रहा था ना, जब भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फटना तो है ही। मुझे लग रहा है मैं जा पाऊंगा, धुआं देखना। यहाँ से करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। अब हमारे पापा कर रहे हैं पूजा, और जो कि हमारी कुछ ही दूर है होलिका मैया, जो कि भाई पूरे एरिया में सबसे बड़ी होलिका मानी जाती है। तो वहाँ पहुँच गए हम, और राउंड लगाकर हमने कर दी पूजा, और ये है मेरी सबसे बेस्ट गुड़िया। तो भाई यहाँ से हम निकल गए गुलशन की घर की तरफ। देखते हैं मिर्चो बन गया वो कब सौ कर रहे हैं, जल्दी कह रहा ये बस 500 का सही मान कर रहे हैं। तो देखो भाई सब बात को इग्नोर मारो, ठीक है, और ध्यान दो के तुम लोग क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु मरता काम कर दो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, ठीक है। तो अभी अपन चल रहे हैं, रखते देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ आते हैं, दिल्ली बन जाते हैं, मरसा में आते हैं, या बाकी बिहारी जाते हैं। और ये वर्ड्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी सारी एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं की खबरें आ रही थी, तो भाई इसलिए थोड़ा डिस्टर्बमेंट हो रहा था। हाँ भगवान होली का टाइम है, तो आसपास काफी सारी होलिकाएं की पूजा की जा रही थी, तो यहाँ पर हो गई बाइक की हवा खत्म। तो सिंगल जाना, तू तू सिंगल जा, हम दोनों आ जाएंगे। भाई रोक रहे हैं, उधर जाओ उतर गए उतर गए उतर गए। ओ उतर गए भाई साहब, लगा रहे हो वो गाड़ी और ठोक दे दो बाबू भाई साहब, भाई साहब भाई ओ चाय की नहर बड़ी करनी चल रही है। तो भाई बात यहाँ पर आकर अटक गई थी कि निकला कैसे जाए, जो कि पुलिस वालों ने तो चालान काटने का पूरा तरीका अपना आजमा लिया था, क्योंकि होली का भी त्यौहार था। तो वहाँ के कुछ लोग मिले हमको, जिन्होंने हमको वहाँ से निकलवाने में मदद की। तो ये जो ऑफ रोड है भाई, यहाँ से निकलने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये रोड बन रहा था, तो उस टाइम डस्ट वगैरह काफ़ी उड़ रही थी। तो भाई पुलिस वालों के हाथों से तो हम बच गए, क्योंकि अगर हमारा चालान कट जाता तो शायद हम नहीं जा पाते मथुरा वृंदावन या सही है भैया, सही है, पीछे में बैठो। तो गाइस अभी नीड है एक चश्मे की, एक चश्मा ले लें तो क्योंकि दिक्कत नहीं होगी इसको। A few moments later. वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।
तो मथुरा वृंदावन में हम एंट्री लेते हुए पहुंच गए प्रेम मंदिर, जो कि भाई यहाँ देखा तो काफी सारा क्राउड था। और मतलब आप जो देख रहे हैं ये मंदिर से पहले की भीड़ है, और आप सोचो कि मंदिर में जाओगे तो कितनी ही भीड़ होगी और कितना क्राउड होगा भाई। तो अभी दिन में इतनी भीड़ नहीं है, तो ये तो रात को मालूम पड़ ही जाएगा कि भाई रात को कितना क्राउड होने वाला है प्रेम मंदिर में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रेम मंदिर क्यों नहीं गए, तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेम मंदिर के लग गए बट, तो इसलिए हम यहाँ से चले गए डायरेक्ट बरसाने। तो गाइस मैं सुबह काफी जल्दी में था इसलिए मैं नाश्ता नहीं कर पाया और ना ही कुछ ब्रेकफास्ट किया, तो यहाँ पर थोड़ा रुक कर हमने किया नाश्ता। बरसाने आ चुके हैं और यहाँ पर आप तो देख सकते हो भीड़ बड़ा कीच मार देंगे तुम ना मानेंगे। कैसी यात्रा से है भैया, तुम कहाँ रहे हो? तो जैसे कि आपने सुना कि हमारे हाथरस के कुछ लोग आपको मिल गए थे, तो भाई यहाँ से भी काफी दूर रह गया था बरसाना, आप देख सकते हो। भाई ये जाम ने हमारी काफी हालत खराब कर दी। तो जैसे ही हम बरसाना में एंटर करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही गाइस आपने देखा कि पुलिस वालों ने हमारा फोन कैच छीन लिया था, कहने को हमारी को गलती नहीं थी, फिर भी वो लोग गाली बकते हैं, तो ये चीज काफी बेकार लगती है मेरे को यार। भाई इस बार गए थे हम पीछे वाले गेट से जो कि पार्किंग का रोड जाता है ऊपर को, तो भाई इतना ऊपर था कि हमारी गाड़ी भी आवाज करने लग गई। एक बार आपको साउंड दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं वहां के पार्किंग के लोग हमको बता देते हैं कि पार्किंग कहां लगनी है, तो हमने भाई अपनी पार्किंग लगाकर और वहीं शूज उतार कर निकल गए मंदिर की ओर। तो भाई जैसे ही मंदिर को ऊपर से नीचे की नीचे की तरफ देखते हैं तो काफी लगता है कि हम ऊपर आ चुके हैं और काफी क्राउड देखने को मिल गया था श्री राधा रानी के दरबार में। फैमिली ये फील करो। तो गाइस ये चेक करो।
तो इतनी भीड़ होने के बावजूद भाई सुकून तो यहाँ मिलता है क्योंकि यहाँ से सारे नज़ारे हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ हमको देखने को मिल गई एक दुर्घटना। तो भाई लौटने के बाद मेरे को लग गई काफ़ी तगड़ी भूख। तो वैसे तो मैं खाना बाहर का नहीं खाता हूँ लेकिन मेरे को मजबूरी में खाना पड़ा। तो भाई पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। और भाई प्रेम मंदिर का क्राउड देखते हैं तो बरसाने से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और देखा जाए तो प्रेम मंदिर का पूरा ख्याल रखा गया है जिससे कि कोई रंग ना लगा दे या कोई डस्ट ना बिखेर दे। भाई प्रेम मंदिर से बाहर आने के बाद मेरे को लगा कि मेरा आज फ़ोन चला जाएगा। तो भाई मैंने तो अपना फ़ोन रख लिया अपनी पॉकेट में और निकल गया घर। तो भाई कुछ खाने पीने हमें भी आए स्टोर पर और पानी वानी पी लें, आराम से रेस्ट कर लें, तब निकलेंगे आपस के लिए। तो भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये और ये साफ होते हैं लेकिन ये साफ ये साबित नहीं है यार। तो मैं सुबह सिल के लाया था इसको, ये बुरी तरह से रूटी भी बात करता हूँ। चल भाई गुलशन तो जा रहा है अपना। तो गाइस मथुरा वृंदावन और बरसान लौटने के बाद हम आगे घर और जल गई अग्नि। तो भाई वहां पहुंचने के बाद में काफी धुआं था जिसके कारण कि मैं अग्नि नहीं पा पाया था। सियापत राम चंद्र की। तो भाई ज्वाला अग्नि काफी बड़ी थी तो मेरी आंखों में आ गए आंसू। और घर पहुंचने के बाद हमने लगाई अपने कंडों में अग्नि और अपने दादाजी और अपनी माँ और दादी जी हमारी एक्सपायर हो गई इस साल, उनको लगाए हमने एक पास। और जो भूज कर हम गए अपने महादेव के पास क्योंकि हमारे महादेव सबसे पहले हैं हमारे लिए और हमारे माता पिता। तो उनको चढ़ाने के बाद हम पहुँचे घर। तो इन्हीं बेचारों साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, दिल से प्यार, जय श्री राम। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।